हरे कृष्णा फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीपीएन क्रिएटिव माइंड। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास बनाना सीखेंगे और ये जो खास चीज़ है वो है बिना विदाउट ऑनियन गार्लिक पाव भाजी। तो अक्सर आप सभी जानते हैं कि पाव भाजी खाना सभी लोग पसंद करते हैं, तो मेरे घर में मेरा बेटा भी जो है पाव भाजी खाना बहुत पसंद करता है। ये जो अभी इसको दिखा रही हूँ ये चोचो है, बेंगलोर की एक बहुत ही फेमस सब्जी है जो साउथ के एरियाज में काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो सबसे पहले तो पाव भाजी बनाने के लिए आपको जो भी सब्जियां पसंद है आप वो ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने कैरेट लिया है रेड वाला, ये पम्पकिन डाला है, पम्पकिन का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो है चोचो है और इधर ये मूली डाली है इसमें। तो इसी तरीके से आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप ले सकते हैं। और ये अभी मैंने इसमें आलू डाल दिया है, आलू डालने के बाद अब मैं इसमें घिया डाल रही हूँ और घिया डालने के बाद अब मैं इसमें एक जो है गोभी डालूंगी। इसके लिए मैंने पूरा एक बड़ा गोभी का फूल इसके अंदर डाला है, तो गोभी का पाव भाजी में बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। साथ में ये टमाटर डाल दिए हैं और ये है कश्मीरी मिर्च जिनका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी जिससे कि सारी सब्जियों में कलर आ जाए। और साथ में मैंने नमक डाल दिया है, तो मैंने अभी जो नमक डाला है सिर्फ इन सब्जियों के अकॉर्डिंग ही डाला है। और सब्जियों में नमक डालने के बाद अब मैं इसमें जो है पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद कुकर को अच्छे से बंद करके हम इसको जो है मीडियम फ्लेम पे नहीं रखना है, तेज़ गैस पर ही हम 3 से 4 सीटियाँ जो है इसमें ले लेंगे। तो अब ये देखिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म करने के बाद मैंने इसमें जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली थी और ये दोनों अच्छे से जब हो गए थे रेडी तो मैंने इसमें अपनी टमाटो प्यूरी डाली है। टमाटो प्यूरी बनाने के लिए मैंने इसमें जो ऐड किया है टमाटर है, साथ में इसमें कश्मीरी मिर्च डाली है, थोड़ी सी फ्राई करके तब कश्मीरी मिर्च डाली थी, हरी मिर्च डाली है इसके अंदर और अदरक डाला है। तो इस तरीके से आप जो है अपना टमाटो प्यूरी बना सकते हैं। इसको बनाने के बाद मैंने इसको अच्छे से ढक के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और अब ये देखिए जो हमारी सब्जियां थी वो बलकर तैयार हो चुकी हैं सारी एकदम। तो अब हम इनको जो है ब्लेंडर से जो है ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखिए हमारी जो टमाटर की प्यूरी थी वो भी यहाँ पर तैयार होने वाली है। अब हमने इसमें जो है मटर मिला दिए हैं। मटर मिलाने के बाद मैंने क्या किया है, इसमें जो कैप्सिकम है उसको एकदम बारीक चॉप्ड किया है, उसके बाद इसमें मिक्स किया है। आपने देखा होगा कि मैंने जो कैप्सिकम है उबाला नहीं था, अलग से डाला है। थोड़ा सा जो गोभी है हमने इसमें ग्राइंड करके भी डाला है। तो ये देखिए क्योंकि जब आप इसको खाओगे तो इनका जो थोड़ा सा दरदरापन होता है सब्जियों का बड़ा अच्छा सा लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छे से आते हैं इनके। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग से इस तरीके से भी डालती हूँ। और आपने देखा होगा मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑनियन या गार्लिक का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं थोड़ा सा जो है नमक है इसमें भी डाल रही हूँ मटेरियल के अंदर, क्योंकि जो हमने पहले सब्जियों में नमक डाला था वो सिर्फ सब्जियों के अकॉर्डिंग डाला था। अब जो ये मटेरियल हमने रेडी किया है इसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया। साथ में हमने हींग भी डाली है इसमें। ये देखिए हींग वींग सब कुछ डाल के हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, थोड़ा सा धनिया डालने के बाद अब मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। तो इस तरीके से आप अपने सारे मसाले इसमें मिला लीजिए और ढककर इसको 5 मिनट के लिए पका लीजिए। अब हमारा जो मसाला है एकदम रेडी हो चुका है बनकर। अब मैंने इसमें डाला है ये पाव भाजी मसाला। तो ये देखिए जो हमने पाव भाजी मसाला भी जो इस्तेमाल किया हुआ है बिना प्याज लहसुन का है, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं हुआ है ना ही मसालों के अंदर किया है। और अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको फिर से हम थोड़ी देर ढक के लिए पकाएंगे। तो हमारा जो है मसाला रेडी होने वाला है। मसालों को आप बीच बीच में अच्छे से चलाते रहें और चलाने के बाद उसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दें ताकि जो मसाला जो है तली में जाके चिपके ना, अगर वो चिपकने लगेगा तो जल्दी से जो है जलने लगेगा और जलने के बाद उसकी स्मेल आने लगेगी। तो ये देखिए मैंने इसको हल्का सा ग्राइंड किया है। सब्जियों को आप चाहें तो ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने जितनी भी सब्जियां उबाली थी सारी की सारी हमारी जो है हमने ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और सब्जियों को दरदरा करना है, एकदम बारीक पीस के नहीं रखना है, जैसे चटनी जैसी होती है वैसी नहीं करना, हल्का सा दरदरा रखना, क्योंकि पाव भाजी जब बनाते हैं तो उसमें हल्का सा सब्जियों में दरदरापन अच्छा लगता है। ये करने के बाद अब हम इसमें जो है पानी मिला देंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, थोड़ा सा ही पानी मिलाना है, आधा गिलास या एक गिलास जितना आप पानी मिला सकते हो। और क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो फिर उसको पाव भाजी के साथ पाव के साथ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है अभी। अब हमने इसमें डाला है अमचूर पाउडर ताकि हमारी जो पाव भाजी में थोड़ा सा खट्टा टेस्ट भी आए, इसके लिए हमने इसमें अमचूर पाउडर भी डाला है। और साथ में ही हमने जो टमाटर भी इस्तेमाल किए थे इसमें देसी टमाटरों का ही इस्तेमाल किया था। जब देसी टमाटरों का अपना खुद का खट्टा टेस्ट होता है इसलिए इसमें अमचूर थोड़ा कम डालना पड़ता है, लेकिन किसी मौसम में हर मौसम में देसी टमाटर नहीं मिलते हैं तो आप थोड़ी सी अमचूर की मात्रा बढ़ा सकते हैं।
साथ में इसको धनिया को डालकर इस तरह से अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारी जो है पावाजी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए। एक बार आप इसको ज़रूर बनाकर खाएं, बिना प्याज लहसुन की पाव बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। एक बार आप सभी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बिना प्याज लहसुन की पाव भाजी कैसी लगी। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। हरे कृष्णा।